तो इससे सीखने में बहुत ही आसानी होती है। चलिए अंदर बैठ के आप लोगों को बताते हैं। तो ये हो जाता है ओमिनी का कुछ लुक, ठीक है, ये ओमिनी का लुक हो जाता है। और सबसे मेन बात, अब आते हैं मेन बात पे। तो ये अगर आपका हैंड ब्रेक लगा है तो आप ब्रेक दबा लीजिए वाला, ये वाला है क्लच और ये वाला है ब्रेक और ये होता है एक्सीलेटर, ठीक है। तो ये वाला जो पायर होता है लेफ्ट वाला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, केके ड्राइविंग स्कूल चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम दोस्तों आप लोगों को सिखाएंगे ओमिनी, जिसको मारुति वैन बोलते हैं, ठीक है। इसको चलाना बहुत ही आसान है, सबसे छोटी गाड़ी हो जाती है और सबसे छोटा इसका इंजन हो जाता है। और सबसे मेन बात दोस्तों, जो इसमें जजमेंट होता है, जैसे जो बोनट वाली गाड़ियाँ होती हैं तो उसमें दोस्तों ये रीज़न रहता है कि मतलब बोनट निकल पाएगा नहीं। इसमें मतलब आसानी होती है क्योंकि इसमें एकदम पास में ही ड्राइवर बैठता है, जो आगे का जजमेंट है ये अपना मैनेज कर लेगा। तो इससे सीखने में बहुत ही आसानी होती है। चलिए अंदर बैठ के आप लोगों को बताते हैं। तो ये हो जाता है ओमिनी का कुछ लुक, ठीक है, ये ओमिनी का लुक हो जाता है। रोड है, थोड़ा आवाज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए हम गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। गाड़ी के अंदर बैठ के सबसे पहले काम करना है अपने साइड मिरर सेट कर लेना है, जिसमें पीछे की गाड़ियां जो आती हैं, जैसे बाइक जा रही तो देखिए दिखती रहेगी, ठीक है। और उस साइड का भी सेट कर लेना है, वो भी पीछे गाड़ियां दिखती रहेंगी। ये इसकी स्टेयरिंग हो जाती है, सीधी कर लेना है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो पहिए देख लेना, इसमें झाँक के देख सकते हैं कि एकदम सीधे हैं, ठीक है। और सबसे मेन बात, अब आते हैं मेन बात पर। तो ये अगर आपका हैंड ब्रेक लगा है तो आप ब्रेक दबा लीजिए वाला, फिर आप क्लच दबा लीजिए और हैंड ब्रेक काट दीजिए और एक गियर न्यूट्रल कर लेना है। और सबसे मेन बात दोस्तों बता दे रहे हैं, इसमें जो दोस्तों होता है ये हैंड ब्रेक, इसको लगा लिए, अब गाड़ी न्यूट्रल है, गियर भी न्यूट्रल है, अब गाड़ी पीछे आगे नहीं जाएगी। और इसमें जो दोस्तों ये वाला है क्लच और ये वाला है ब्रेक और ये होता है एक्सीलेटर, ठीक है। तो ये वाला जो पायर होता है लेफ्ट वाला, कोई भी गाड़ी हो ये सब गाड़ियों में होता है, ठीक है, ये लेफ्ट पायर की तरफ क्लच ही होता है और जो राइट का पायर है वो एक्सीलेटर होता है, ठीक है, और ये ब्रेक हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, अगर आप पूरी देख लेते हैं तो आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। और इस गाड़ी से आप अगर गाड़ी चलाना सीखेंगे तो बहुत जल्दी बहुत आसानी से सीख सकते हैं गाड़ी, क्योंकि इसमें जजमेंट जो है ये एकदम पास में ही ड्राइवर तो दिखता रहता, आगे लगने वाली है नहीं लगने वाली कोई चीज़ खड़ी है। तो ये हो जाता है, ये समझ में आ गया, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर ए वी और ये वाला सी, ठीक। तो चलिए न्यूट्रल है गाड़ी हमारी, क्लच दबाएं, ब्रेक दबाया और ये हैंड ब्रेक काट दिया। और इसको क्या करना है, बस ये गियर न्यूट्रल किया है। चलो कुछ गियर के बारे में बता देना, अगर गियर के बारे में आपको फुल समझना है तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है या इन स्क्रीन में लगा देंगे, गियर के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये इस गाड़ी से इसलिए हम सिखा रहे हैं, इससे आप बहुत आसानी से गाड़ी सीख सकते हैं। इसमें देखिए ये गियर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और रिवर्स, क्योंकि इसमें पांच गियर हैं टोटल, चार आगे की तरफ और एक बैक। तो चलिए गियर लगाना आप लोगों को बता दे, ब्रेक पे पैर रहना चाहिए क्योंकि ब्रेक दाबे रहो, क्योंकि गाड़ी इस समय न्यूट्रल है, गाड़ी ढाल पर देखिए पीछे बढ़ने लगेगी, देख सकते हैं ये देखिए पीछे जाने लगी, ठीक है, हल्का हल्का, अगर ढाल पे नहीं है तो नहीं जाएगी। तो चलिए गाड़ी पीछे ना जाने के लिए ब्रेक हमारा पहले से ही दबा है, ठीक है, और ये हमारा क्लच दबा। अब गियर की बैठ के आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जैसे ये न्यूट्रल है तो ये लेफ्ट राइट जाएगा, तो हम इस समय यहाँ पे हैं क्योंकि ये गियर लीवर जब न्यूट्रल करके छोड़ोगे बीच में आएगा, इस साइड छोड़ोगे तब भी बीच में चला जाएगा, इस साइड छोड़ोगे तब भी यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको इसको लेफ्ट साइड लेके जाना है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया और इसको हमने ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया तो ये हमारा फर्स्ट गियर पर गया। ध्यान से आपको पहले गाड़ी स्टार्ट नहीं करना है, बैठ के ही कर लेना है, अगर आप न्यू हैं आपको अच्छी तरीके से चलाना आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पे लाएं हम, ठीक है, ये यहाँ पे है, इसी साइड खींचे रहना है और इसको यहाँ पे ले आना है, ये टू नंबर दूसरा लग गया, ठीक है। फिर इसको जब आप ये करेंगे न्यूट्रल तो ये बीच में आप अपने आप आ जाता है, इसको आगे कर देंगे तीसरा लग जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल ये कर दिया चौथा लग जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है, चौथा लगे। अगर आपको गाड़ी बैक करना है तो यहाँ पे बीच में लाएं, अगर लेफ्ट राइट होने लगा, ठीक है, तो इसको राइट ला के इस साइड कर दिए, रिवर्स लग गया, ठीक है, बहुत आसान है। आपको ये पाँच छः बार लगभग कर लेना है, लगभग पाँच छः मिनट बैठ के ये आपको कर लेना है अच्छी तरीके, बिना देखे, जैसे आपकी नज़रें सामने हैं और गियर लीवर इसे लगाओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये रिवर्स, ठीक, ऐसे कर लेना। जब आपको ऐसे एकदम कर लोगे तो आपको गाड़ी चलाना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और क्लच के बारे में आपको बता रहे हैं कि कैसे छोड़ना है, कैसे फर्स्ट गियर डाल के, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, बहुत सारी मेहनत लगती है। चलिए आप लोगों को बता रहे हैं, इस गाड़ी से आसानी सीख सकते हैं, मारुति वैन है, ठीक है। तो चलिए आपको हम बता रहे हैं कि कैसे चलाना है गाड़ी स्टार्ट करके।
यहाँ तक दोस्तों आपके समझ में आ गया। तो चलिए अब मेन पॉइंट आता है कि गाड़ी चलाना कैसे। तो गाड़ी चलाना आपको बस बता रहे हैं, तो सबसे पहले क्लच दबा लेना और ब्रेक दबा लेना है, गियर न्यूट्रल देख लेना। अगर गियर पड़ा है तब भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन क्लच दबा रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको न्यूट्रल कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, हम बाद में लगा लेंगे जिसमें आपको समझ में आ जाए। तो ये चाबी हो जाती है की, तो इसको घुमाते हैं और क्लच ब्रेक हमारा देख लीजिए दबा है, ठीक है। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी, क्लच ब्रेक दबा है, ठीक है। क्लच दबा, इस समय हम क्लच छोड़ेंगे तो क्योंकि ये गाड़ी न्यूट्रल है, देखिए गाड़ी क्लच पर से पैर हटा लिया, नहीं बढ़ेगी। तो बहुत आसान है, बस इसको क्लच को हल्का दबाना है। फुल एक क्लच दब गया हमारा, आसानी से दब जाएगा और ये फर्स्ट गियर लग गया, ठीक है। और ब्रेक पर से हल्का हल्का पैर हटा रहे हैं, थोड़ा क्लच छोड़ा, ब्रेक पर से पैर हटाया, एक्सीलेटर पर थोड़ा पैर रखा, देख सकते हैं आसानी से, और एक क्लच छोड़ दिया हमने, देखिए धीरे धीरे से आसानी से छोड़ना, आपकी गाड़ी बढ़ने लगेगी, देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी चलने लगी, ठीक है। 10 की स्पीड हो गई फर्स्ट गियर में, हल्का सा और रेस दे सकते हैं इसको, ये देखिए इतनी स्पीड लगभग हो गई, ठीक। फिर क्लच दबाया और ये दूसरा गियर डाल लिया, ये गाड़ी चलने लगी आसानी से, देख सकते हैं एकदम। और स्टीयरिंग पे भी ध्यान रखना है, क्लच ब्रेक पे ध्यान रखना है, क्लच ब्रेक के बारे में आपको तो पहले भी बता ही चुके हैं, ठीक है। तो ये गाड़ी चलने लगी और ये हमारी गाड़ी लगभग 25 की स्पीड आ गई। तो चलिए हम तीसरा डालेंगे, ये क्लच दबा और ये तीसरा पड़ गया आसानी से, क्लच पर से पैर हटाया और एक्सीलेटर पे पैर रखा, ये देख सकते हैं गाड़ी चलने लगी, ये देख सकते हैं लगभग 35-40 की स्पीड हो गई। 40 हो जाए तब चौथा डालना है, ठीक है। ये क्लच दबाया और ये चौथा सीधे इससे ही खींच लेना है, बस ये चलने लगी आसानी से। और एक्सीलेटर पे पैर रखना है, क्लच पे पैर नहीं रखना है, अगर आपको लंबे टूर पर जाना है, बाकी जाम वगैरह में आप हल्का सा पैर रख के चला सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल पर ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो देखिए ये चौथा गियर पड़ा है, जितना चाहें आप इसको भगा सकते हैं, ठीक है। एक्सीलेटर जितना दाबेंगे उतना चलेगा, क्योंकि इसमें चार ही गियर हैं, इससे ज़्यादा गियर पड़ नहीं सकते। तो ये आसानी, देखिए 40 की स्पीड गाड़ी चल रही है। अगर आप न्यू हैं तो ज़्यादा भगाना नहीं है, बस 40-50 के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। जब आप धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएंगे तो आप चला सकते हैं 50-60-70, जितना मन हो आप चला सकते हैं, ठीक है। तो ये चल रही, अगर आपको गाड़ी कंट्रोल करना है ब्रेक पे पैर रख के, तो पहले यहाँ पे आ जाता है कि क्लच पे पैर रखें या ब्रेक पे पैर रखें। तो देखिए 50 गाड़ी चल रही, तो हल्का सा हमने ब्रेक पे पैर रख लिया, देखिए, और लगभग ये गाड़ी 30 के नीचे आ गई, ठीक। तब क्लच पे पैर रख सकते हैं, ये दाब लिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। ओकी, बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक क्लच दबा के ब्रेक दबा के ये गाड़ी रोक लिया, तो चलिए इस गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं, ठीक है। ओके, बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।